भूमान सुमार उज्ज्वल विमल रुचित्वस्त माया विलास श्री पूर्णानंद मम मनसि मनाल आत्मभाव निवर्तो पुल्लेन्दीवरकान्तमिन्दुवदनम् बर्हावतं संप्रियम् श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुवधरम् पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुम् गोगोपसङ्घावृतम् गोविन्दं करवेणुवादनपुरम् दिव्याङ्गभूषं भजे नवीननीरदश्यामं नीलेन्द्रीवरलोचनम् वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणम् हम जो कुछ देखते हैं अपने मन को ही देखते हैं। ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बाहर रहकर नहीं दिखता है। जब बाहर की वस्तु आंख के द्वारा या किसी दूसरे इंद्रिय के द्वारा अपनी अपना प्रतिबिंब हमारे हृदय में भेज देती है और मन तदाकार हो जाता है, तब हम मन को ही देखते हैं। वेदांतियों को भी यही मान्य है। तो कैमरे में पहुंची हुई जो वस्तु है, हृदय के कैमरे में पहुंची हुई जो वस्तु है, वही दिखती है। दूरबीन से, खुर्दबीन से रोशनी करके कैसे भी इंद्रियों के द्वारा हम जब वस्तु को अपने दिल में पहुंचा लेते हैं तब वो दिखती है। हमको दुनिया में जो कुछ दिखता है वो दुनिया नहीं दिखती है, तदाकार हुआ दिल ही दिखता है, तदाकार हुआ मन ही दिखता है, तदाकार हुई वृत्ति ही दिखती है। ये जो दुनिया में दुख होता है, शोक होता है, भय होता है, मोह होता है, इसमें दुनिया का दोष नहीं है, हमारे मन की तदाकारता का दोष है। यदि हमने अपने मन में वहां से हटा लेने का अभ्यास डाल लिया होता यदि मन को किसी एक आकार में रखने का अभ्यास डाल लिया होता या मन को निराकार रखने का अभ्यास डाल लिया होता तो हम जो चाहते वही देखते, न चाहते न देखते। ये जो दिन भर में 17 बार दुख 17 बार सुख ये जो आता रहता है व्यवहार में, ये ना आता। भारत सावित्री का कहना है, शोक स्थान सहस्राणी भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम।
जैसे वेद में गायत्री होती है, चारों वेद में एक ही गायत्री, वैसे महाभारत में चार श्लोक हैं, उन्हें भारत सावित्री कहते हैं, भारत की गायत्री, महाभारत की गायत्री। उनमें से एक गायत्री ये है कि जो हजार बार जीवन में, रोज हजार बार शोक आता है और हजार बार जो भय आता है, ये केवल मूढ़ जिसका मन संसार के शत्रु मित्र में, राग द्वेष में, सुख दुख में अटक गया है, भटक गया है, और उसने वहां से अपने मन को हटाने का सामर्थ्य नहीं बनाया, किसी सुंदर में सटाने का सामर्थ्य नहीं बनाया, मन को खाली रखने का सामर्थ्य नहीं बनाया, उसी को ये हजारों बार दुख और हजारों बार सुख प्राप्त होते हैं, हजारों बार शोक और हजारों बार भय प्राप्त होता है, जिसने अभ्यास करके अपने मन को हटाने की आदत डाल ली बुरे से, और अच्छे से सटाने की आदत डाल ली, या बिल्कुल खाली रखने की आदत डाल ली, वो अपने मन को जिस रूप में देखना चाहेगा उस रूप में देख सकता है, वो सुख में भी दुख देख सकता है, वो दुख में भी सुख देख सकता है। परंतु दुख देखना तो किसी को इष्ट ही नहीं है, दुख क्यों देखना। ईश्वर स्वयं आनंदमय है, वो अगर दुख भी बनाने लगे और अपने हाथ से बनावे तो उसमें उसका आनंद इतना पड़ जाता है कि वो दुख दुख नहीं रहता, आनंद हो जाता है। और ये आत्मा परम प्रिय परमानंद स्वरूप है, ये यदि अपने नजर से कुछ बनावे तो वो हमेशा सुख ही सुख बनावे, क्योंकि इसको सुख ही इष्ट है, दुख तो इष्ट है ही नहीं। अगर सृष्टि हमारी बनाई हुई हो तो हम उसमें अपने लिए दुख कभी नहीं बनावेंगे, और यदि ईश्वर की बनाई हुई हो तो ईश्वर ऐसा मैटर है जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, वो अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट कर देता है। तो ये जो हमारा मन एक जगह हटक जाता है, भटकने लगता है, कहीं लटकता लटकता फिरता है, जब इसको दुनिया की बातें खटकने लगती हैं, हमारे काबू से ये बाहर हो जाता है, तो दुनिया की सब चीजें छूट रही हैं और ये उनको रखना चाहता है, जो आ रही हैं उनको आने से रोकना चाहता है। तो आने वाली बातों को रोकने में भी संघर्ष, तनाव का सामना करना पड़ता है, और मिली हुई वस्तु को रोक रखने में भी कि ये हमारे पास रहे, उसमें भी तनाव का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान माने मोटी से मोटी, स्थूल से स्थूल भाषा में, मन को ऐसी आदत डाल लेना है, ध्यान माने मन को ऐसी आदत डालना जिसमें वो हम जैसा चाहें वैसा रहे, हम कहें कि चल दिल में बैठ जा तो वो बैठ जाए, हम कहें सब छोड़ दे तो सब छोड़ दे, हम कहें इसको पकड़ ले उसको पकड़ ले,
हम कहेंगे चुप और मन चुप। जिसने अपने मन को नहीं सधाया उसने घोड़े को सधा लिया तो क्या हुआ, नौकर को सधा लिया तो क्या हुआ। असल में मन का बेकाबू होकर जहां कहीं अटक जाना यही सबसे बड़ा दुख है। हमारे बाल काले ही रहें, सफेद न हो, हमारे कपड़े पर दाग न लगे, हमारे अंदर बुढ़ापा न आवे, हमारी जान पहचान का कोई मरे नहीं, दुनिया में कहीं आग न लगे। अब दुनिया तो अपने ढंग से चलती है, तुमने अपने मन को इन इन बातों में फंसा दिया है। तो ध्यान का अर्थ है कि ये जो फंसाव है मन में, वहां से अपने मन को छुड़ा लिया है। आपको शायद मालूम हो, किसी को न मालूम हो, ऐसा भी होता है, सब तरह के लोग होते हैं। आप लोग वृंदावन का नाम सुनते हैं और सुनते हैं कि वहां रसिक ही रसिक रहते हैं और वहां तो ब्रह्म की चर्चा भी नहीं होती। वैसे हम लोग वहां रहते हैं तो ब्रह्मचर्चा ही मुख्य रूप से करते हैं। वृंदावन में वेदांत की चर्चा बड़े जोर शोर से करते हैं, परंतु आधा सवेरे वेदांत की चर्चा करते हैं और शाम को रस की चर्चा, रसिकता की चर्चा करते हैं। तो शाम को यदि प्रातः काल कोई रसिक नाराज भी हो जाए तो शाम को वो खुश हो जाता है। तो हम वहां की बात आपको सुनाते हैं और जिसको जानकारी न हो उसको जानकारी देने के लिए सुनाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में जो श्री राधा कृष्ण का ध्यान है उसमें पहले शून्य का ध्यान किया जाता है। मैं बड़े प्रामाणिक रूप से ये बात कहता हूं, पहले शून्य का ध्यान फिर महाशून्य का ध्यान। परब्रह्म परमात्मा का चिंतन, निराकार निर्विकार निर्गुण परब्रह्म का चिंतन, प्रपंच नाम की दुनिया नाम की कोई चीज ही नहीं है, और उसके बाद वृंदावन। माने प्रपंच को हटाने के लिए पहले शून्य चिंतन, महाशून्य चिंतन, ब्रह्म चिंतन, पार ब्रह्म चिंतन, उसके बाद वृंदावन का चिंतन है। पहले दुनिया को छोड़ दिया, ये निम्बार्क संप्रदाय की मान्यता। उनका जो मूल ग्रंथ महावाणी है, हरिव्यास देव जी ने जो श्री भट्ट जी से प्रेरणा प्राप्त करके लिखी है, जैसे हम लोग वेद को मानते हैं वैसे निम्बार्क संप्रदाय के रसिक महावाणी को मानते हैं। उनकी ये बात है, पहले ब्रह्मचिंतन होना चाहिए। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में तो ध्यान करने की ये रीति ही है कि ब्रह्म भूमि पर श्री राधा कृष्ण भगवान विराजमान होते हैं। पहले ब्रह्म ध्यान करके वो हृदय की पवित्रता मानते हैं ब्रह्म के ध्यान में, और उसका फल मानते हैं राधा कृष्ण की लीला का चिंतन। ये आपको आप कभी श्री हित सागर पढ़े तो उसमें सनत कुमार संहिता समूची की समूची अष्टजाम पद्धति का ध्यान करने के लिए उद्धृत की हुई है।
اس میں یہ بات آتی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے من کو, اپنے من کو ہی دیکھ کر روتے ہیں, اپنے من کو ہی دیکھ کر ہنستے ہیں, اپنے من کو ہی کبھی دشمن دیکھتے ہیں, کبھی دوست دیکھتے ہیں. باہر والا آپ کے ہردے میں نہیں گھستا ہے. آپ کا من ہی جب دشٹاکار ہوتا ہے تب دشٹ دکھتا ہے, اور جب شسٹاکار ہوتا ہے تب شسٹ دکھتا ہے. تو یہ من جو شرنکھلتا سے دشٹ شسٹ بنتا رہتا ہے, آپ کا قابو ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں کب کیا بن جائے, کب کیسا موڈ ہو جائے, کب موڈ خراب ہو جائے آپ کا, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. تو ذرا آپ کا موڈ آپ کے قابو میں رہے اس کی عادت جیون میں ڈالنا آوشیک ہے. اس کے بنا آپ سکھی نہیں ہو سکتے, آپ کے دکھ نہیں مٹ سکتے. تو آؤ آپ کو یوگ درشن اور برنداون ایک میں ملا کر دکھاتے ہیں. یوگ جان, یوگ اور بھکتی, یوگ ست میں استھت کرتا ہے, جان چت کو نرابرن کرتا ہے, اور بھکتی آنند رس کو پرگٹ کرتی ہے. آنند سے بیراگیہ ہوتا ہے, جان سے اجان کا ناش ہوتا ہے, اور ست میں استھت ہونے سے ورتیوں کا نرودھ ہو جاتا ہے. اور ویدانت کا اصلی سدھانت یہ ہے کہ یہ ست چت آنند تینوں ایک ہیں, آتما ہیں, برہم ہیں, تینوں بالکل جدا جدا نہیں ہیں. تو آپ پریکٹیکل کی چرچا کرتے ہیں نا, ویوہارک لحاظ. اس کے لیے میں نے یہ پرشٹھ بھومی, یہ دھراتل, یہ بیٹھنے کی جگہ آپ کو بتائی کہ آپ اپنے من کو ہی دیکھتے ہیں. اس لیے یدی آپ من کو اچھائیوں میں ڈال دیں, آپ دھرتی دیکھتے ہیں. ایک سنت تھے برنداون میں, ان سے کسی نے کہا کہ سنت جی چلو کشمیر چلیں, وہاں کیا ہے کہ بڑے سندر درشیہ ہیں, برف ہیں, ہریالی ہے, جھرنے ہیں, چشمہ شاہی ہے وہاں, انہوں نے کہا کہ ہم کو آنکھ بند کرنے پر جیسا برفیلا پہاڑ, ہماچھادت شکھر, جیسے جھرنے, جیسا بن, جیسے پھول, جیسے ہرن, اور جتنے سندر دیویہ لوک کے دیوتا ہم کو آنکھ بند کرنے پر دیکھتے ہیں, ویسا کیا کشمیر میں چلنے پر دکھائی پڑیں گے. پرارتھنا کرنے والے نے کہا کہ نہیں مہاراج, وہ ایسے تو نہیں دکھائی پڑیں گے. تو بولے ہم یہی اچھے ہیں, دیکھتے ہیں کشمیر میں لے جا کر جو تم دکھاؤ گے وہ یہی ہم دیکھ رہے ہیں. تو آؤ اب آپ بیٹھے رہو جہاں کے تہاں. یہ تو خیال میں جب تک شریر ہے تب تک تم شریر ہو, اور خیال شریر سے ہٹ گیا تو تم شریر نہیں ہو. اگر شریر چھوڑنے کا من نہ ہو تو برنداون کو اپنے دل میں بلا لو, اور اس سے الگ ہونے کا تھوڑی دیر من ہو تو آپ دیکھو کہ آپ کا من برنداون میں ہے, آپ برنداون میں ہیں, آپ سشریر برنداون میں ہیں کہ برنداون آپ کے من میں ہے.
ये तो कल्पना हुई कि कल्पना नहीं है, आप जो अपने को गड्ढे में डाल रहे हो वहां से निकालने का प्रयत्न है। आपकी कल्पना पैसे के बिना रो रही है, कल्पना रो रही है। आपकी कल्पना दुश्मन से रो रही है, दोस्त के बिना रो रही है, मकान के बिना रो रही है, आपकी कल्पना रो रही है। आप इसकी जगह देखो, पृथ्वी ने अपना सौंदर्य प्रकट कर दिया, वो पर्वत वो गिरिराज महत्वपूर्ण हो, ईश्वर की विभूति, वो वृंदावन की ब्रह्ममयी भूमि, वहां के वृक्ष, वहां की लता, वहां के हरेन, वहां के गाय, वहां के ग्वाल बाल, आप एक बार दिव्य पार्थिव विभूति में अपने मन को ले चलिए। कैसी मृदु भूमि है, कोमल, कैसी हरी हरी घास है, कैसे वृक्ष हैं, कैसी लता हैं, कैसे पुष्प हैं, कैसे फल हैं, कैसे हरिन हैं। स्मरेत वृंदावने रम्ये गोप गोभिरनावृतरनारतम गोविंदम पुंडरीकाक्षम गोपकन्या सहस्रशः आत्मनो हृदयाम्भोजे प्रेरिताक्षि मधुव्रता। आप एक बार बंबई को बंबई के स्थान पर रहने दीजिए और गुरु शास्त्र के आदेशानुसार अपने को भगवान की लीला में ले चलिए। जमुना जी बह रही हैं, सरोवर है, जल ने अपनी समग्र विभूति वहां प्रकट कर दी है। क्या सुंदर प्रकाश है, मधुर मधुर मीठा मीठा प्रकाश है, और न शीत है और न गर्मी है। आप वहां ले चलिए जहां वायु ने अपनी शीतलता, अपना सुगंध, अपनी मृदिमा जहां वायु ने प्रकट कर दी है, मृदुलता ही मृदुलता है। आप वहां ले चलिए अपने मन को जहां बांस जो खड़े हुए हैं जंगल में, बांस, जंगली बांस, वायु के लगने से बांसुरी सरीखी ध्वनि करते हैं। वन के एक एक बांस से बंसी की ध्वनि आ रही है। आकाश ने अपना सौंदर्य प्रकट कर दिया। योग दर्शन में यही है, विषयवती बा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। यदि आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं तो ये जो संसारी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कल्पना आपके मन में भरी हुई है, इसकी जगह पर दिव्य शब्द जहां बांस बोलते हैं, जहां कोयल कूकती है, जहां पपीहा पी कहां बोलता है, जहां हरिन छलांग भरते हैं, जहां बछड़े दूध पीते हैं, जहां लताएं मुस्कुरा रही हैं, जहां वृक्ष ऊंचा सिर करके खड़े हैं और अपने फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, जहां दुर्बामयी हरिन मणिमयी पन्ना की मरकत की जहां भूमि है डूबों के कारण, उस भूमि में अपने मन को एक बार ले चलिए। ये दिव्य भूमि है, ईश्वरमयी भूमि है, ये संसार की भूमि नहीं है। ईश्वर ने वहां अपने आप को सद रूप से धरती के रूप में प्रकट किया है, जल के रूप में प्रकट किया है, सौंदर्य के रूप में प्रकट किया है। आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितना देखते हैं संसार में, वहां माया का आवरण हट गया है, वहां जड़ता का पर्दा फट गया है। तो वहां भगवान ने अपने को दिव्य लोक के रूप में प्रकट किया है। अब
वहां आप देखें जमुना पुलिन तो है, गौएं उस पर पानी पीने के लिए जा रही हैं, ग्वाल बाल भी हैं, परंतु न वृक्षों में श्याम सुंदर दिखते हैं, न लताओं में दिखते हैं, न जमुना जी में दिखते हैं, न गायों में दिखते हैं, न ग्वाल बालों में दिखते हैं, और श्याम सुंदर नहीं दिखते हैं। आपके मन में एक उत्सुकता जागृत होती है, होंगे तो कहीं यहीं पर दिखते क्यों नहीं है। ये प्यास जब तक नहीं जगती है, जब तक दुनिया की ओर से मन हटता नहीं। आपके मन में ईश्वर के लिए प्यास कितनी है, आपने कभी उसको नापा है, तौला है? कितनी प्यास है ईश्वर के लिए? कहते हैं हम लोग आध्यात्मिक सत्संग करते हैं, 20 बरस से करते हैं, 40 बरस से करते हैं, और कोई उन्नति तो हुई नहीं। अरे कभी ईश्वर के लिए प्यास भी लगी आपके मन में? आपके मित्र के बिछुड़ जाने पर जो व्याकुलता हृदय में आती है, बच्चे के स्कूल से न लौटने पर जो व्याकुलता आपके हृदय में आती है, पैसा न मिलने पर जो व्याकुलता आपके हृदय में आती है, स्त्री पुत्र पति न मिलने पर जो व्याकुलता आपके हृदय में आती है, क्या ऐसी व्याकुलता भी कभी आपके हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए हुई है? ये प्यास जगे बिना अगर आप भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवत रस का उदय नहीं होगा। हम चाहे किसी भी कारण से हो ये बात कह सकते हैं, चाहे कोई ब्रह्म हो के अपनी प्यास मिटा दे, चाहे संसार के भोग में लगाकर कोई अपनी प्यास मिटा दे, जिसके प्यास नहीं है उसी को भगवत रस का अनुभव नहीं होता है, जिसके हृदय में प्यास है उसको भगवत रस का अनुभव होता है। ये चाहते ही नहीं है, इनको गिलास भर के बढ़िया शरबत में पीने को जब प्यास नहीं है तो जूठा छोड़ देंगे, गिरा देंगे, बिना मान के पिएंगे। असल में प्यास होनी चाहिए। और यही कहूं श्याम काहू कुंज में फिरत हुई है, भुज भर भेंटने को ही उमहत है। आपका हृदय कभी इस ब्रह्म संस्पर्श के लिए उछलता है? कहो आप ये कौन सा वेदांत ले आए ब्रह्म संस्पर्श? अरे आपने गीता ही नहीं पढ़ी थी। यदि आपको ब्रह्म संस्पर्श सुन करके वेदांत से कुछ घटी हुई बात मालूम पड़ती है, कम बात मालूम पड़ती है, तो हम जोर देकर कहते हैं कि आपने गीता नहीं पढ़ी। सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। यहां आपको श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने को मिलेगी, उनके वक्षस्थल का स्पर्श मिलेगा, उनके सौंदर्यामृत का पान मिलेगा, उनके सौकुमार्य का आस्वादन मिलेगा, उनके अधरामृत उनके चरणामृत की उपलब्धि होगी। यहाँ श्री कृष्ण के अंग से अंग अंग से निकला हुआ सौरभ आपको तृप्त कर देगा, परंतु आपके हृदय में प्यास तो हो। कहाँ गए श्याम, कहाँ गए श्याम? इस वृंदावन में, इन वृक्षों के वन में, इन लताओं के झुरमुट में, इन खिले हुए पुष्पों में, इन हरिणों में, इन गायों में, इन ग्वालों में, इस जमुना जी के तट पर कहीं वो प्यारा छिपा हुआ है। यही कहूं श्याम काहू कुंज में फिरत वही है, भुज भर भेंट बे को मन होता है कि कहीं मिल जाए तो दोनों हाथ से पकड़ के उसको छाती से लगा लें। तो जब तक मन में प्यास जागृत नहीं होती, कुंज है, कुंज में पत्ते की और पुष्पों की सज्जा है, उसमें प्रकाश है, परंतु उसमें श्याम नहीं है। ये कुंज क्या है? आपका हृदय ही कुंज है। यहाँ कोमलता है,
यहाँ सुंदरता है, यहाँ मधुरता है, यहाँ कहीं से धीमी धीमी बांसुरी की आवाज भी आ रही है, कुछ रुनझुन भी सुनाई पड़ रहा है, परंतु श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होता। उसके लिए आपका हृदय फटता है, व्याकुलता होती है, उसको पाने की आपके मन में चाह है। आप तो दुनिया के रिश्तेदारों में, नातेदारों में, वस्तुओं में रच पच गए हैं, सौ सौ धक्के खाएं, तमाशा घुस के देखें, रोज रोज पिटते हैं। कोई न कोई, आप लोग बड़े भले मानुष हैं हम जानते हैं, परंतु कोई न कोई रोज आपको पीटता है, कोई न कोई रोज आपको दुख पहुंचाता है, और दुख पाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, और उसी तमाशे में जा करके शामिल होना चाहते हैं। तो एक बार जब सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद पाने के लिए हृदय व्याकुल होता है, तब प्यास जगती है हृदय में, और जब प्यास जगती है तब सुगंध का एक झोंका आता है। रस की एक धारा आती है, एक दिव्य रश्मि पुंज प्रवेश करता है, एक सुख की हवा का झोंका आता है, और एक मधुर स्वर लहरी सुनाई पड़ती है। अब जिन लोगों को योग दर्शन का पता नहीं है वे इसको नहीं समझेंगे। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो विषय तुम्हें प्यारे हैं वही जब दिव्य रूप से तुम्हारे मन में आने लगेंगे तो तुम्हारा मन वहां स्थिर हो जाएगा। विषय जो विषु काबा ज्योतिष्मति, उस समय आपका चित्त बिल्कुल शोक रहित हो जाएगा और अपने प्रिय से मिलने के लिए आप शरीर का मल धोना नहीं चाहते, सुगंध लगाना नहीं चाहते, सुंदर वस्त्र पहनना नहीं चाहते, अपनी त्वचा को मधुर बनाते नहीं, अपने होठों को चमकाते नहीं, बढ़िया से बढ़िया वस्तु वहां ले जाकर अपने प्रियतम को अर्पित करने के लिए आप तैयार नहीं होते, तो प्यास जगनी चाहिए। ये प्यास जो है उसी की मूर्ति गोपियां हैं। बोला स्मरेद वृंदावने रम्मे, प्यास को भी हम मूर्त बनाकर देखते हैं, योग दर्शन के सिद्धांत को मूर्तिमान बनाकर देखते हैं, वहां प्यास गोपी बन करके आती है। स्मरेद वृंदावने रम्मे गोप गोभीर नारतम, निरंतर देखो बीच में टूटने न पावे। गोविंदम पुंडरीकाक्षम गोप कन्या सहस्रशः, हजारों गोप कुमारियां, हजारों चित्त की वृत्तियां जो आती है वो श्री कृष्ण को ढूंढती हुई आती है। परम प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप, पर ब्रह्म की मूर्ति, परमानंद की मूर्ति, नवीन नीरद श्याम, श्याम सुंदर को ढूंढती हुई आती है। आप एक बार उस प्यास के साथ एक तो हो जाइए। आपके हृदय में प्यास न हो तो किसी प्यासी गोपी में, ग्वाल में, किसी प्यासी हरिणी की आंखों में, किसी पिलाने के दूध पिलाने के लिए व्याकुल गाय के दूध में आप अपने को मिला दीजिए, किसी पेड़ के फल में मिला दीजिए जो श्याम सुंदर के मुख में जाना चाहता है, किसी लता के पुष्प में मिला दीजिए जो श्याम सुंदर के गले का हार बनना चाहता है। तो इससे क्या होगा, इससे जहां आपका मन फंसा हुआ है, जिसको एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, वहां से
आपके मन को छूटने में सहारा मिलेगा, आपका बेकाबू मन आपके काबू में आने लगेगा। आत्मनो हृदयाम भोजे प्रेरिताक्षि मधुव्रता पीड़िता काम बाणेन चिरमाश्लेषणोत्सुका मुक्ताहार लसत्पीन तुंगस्तन भरानता स्रस्तधम्मिल्लवसना मदस्खलित भाषणा। प्यास की मूर्ति, प्यास 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 हजार प्यास, ये कौन है? गोपी हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की लालसा है, श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुलता है, श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़फन है। पीड़िता काम बाणे न, श्री कृष्ण से मिलने के लिए दर्द है। और वो यही चाहते हैं कि हम जाकर श्री कृष्ण के हृदय से लग जाएं। उनको अपने बाल की सुध नहीं है, उनको अपने कपड़े की सुध नहीं है, उनको अपने आभूषण की सुध नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, ये उनको सुध नहीं है, उनके पांव सूधे नहीं पड़ते। जब इस तरह हमारी वृत्ति पृथक पृथक एक एक वृत्ति गोपी के रूप में अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करने के लिए जब व्याकुल होती है, तब कहीं से सुगंध का एक झोंका आ जाता है, तब बांसुरी की स्वर लहरी कानों को भर देती है, तब पांव के नूपुर रुन झुन बज उठते हैं, तब श्री कृष्ण का सौंदर्यमय रूप मंद मंद मुस्कान मुखारबिंद पर प्रेम भरी चितवन अनुग्रह भरी बाहें। वैराग्यहीन वेदांती हमेशा दुखी रहता है, ये बात ध्यान कर लेना। जिंदगी भर वैराग्यहीन वेदांती को दुखी रहना पड़ता है, क्योंकि उसने पहले वैराग्य संपादन नहीं किया और वेदांती हो गया तो रोएगा और रो के कहेगा जी ये सब तो मिथ्या है, रो लेगा फिर कहेगा ये सब तो मिथ्या, ये माया का खेल, ये है कहाँ। रोता रहेगा और बोलेगा ये है कहाँ, क्योंकि उसने वेदांत ज्ञान के पहले वैराग्य संपादन नहीं किया है। दृष्ट दुखम न नश्यति, और वैराग्य संपादन तब होता है जब पहले एक जगह स्वाद आता है, एक जगह रस आता है, तो हरि सौ जोरी सबन सौ तोर्यो, भगवान से मनोवृत्ति जुड़ती है सबसे टूटती है। हम दुखी वेदांतियों के साथ दो बात भी नहीं करना चाहिए, अपने को ब्रह्म भी कहे और अपने को दुखी भी माने। ऐसे वेदांती को हम वेदांती ब्रुब मानते हैं, ये अपने को वेदांती तो कहता है परंतु वेदांती नहीं है। एक बार हरिसो जोरी सबन सो तोड़ो, भगवान से अपनी मनोवृत्ति को जोड़कर एक बार सबसे तोड़ लो, फिर पैसे के लिए रोना नहीं आवेगा, रिश्तेदार के लिए रोना नहीं आवेगा, शरीर के लिए रोना नहीं आवेगा, क्योंकि तुम तो तत्व तो अपने को मिट्टी मानो तो मौत का भय मिट जाएगा। अपने को पानी मानो तो स्वाद न मिलने का भय मिट जाएगा। अपने को ज्योतिर्मय मानो तो नासमझी का भय मिट जाएगा। अपने को सुकुमार स्पर्शमय वायु मानो तो कहीं बंधन नहीं रहेगा। आप अपने को आकाश मानो कहीं अवकाश नहीं रहेगा। जब इन तत्वों के साथ एकता होने पर भय मिट जाता है, तो ब्रह्म तत्व से एक होने पर तुम्हारा दुख और तुम्हारा भय नहीं मिटा, तो तुम अपने को ब्रह्म ज्ञानी भले मानो। ज्ञानाभिमान जे ज्ञान मान विमत्त, तब भवारणि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत्त, तब भवारणि भगति न आदरी। आओ एक बात, हाँ, जब गोपियां व्याकुल होती हैं, जब तुम्हारा हृदय व्याकुल होता है, प्रेम की पीड़ा से जब व्यथित होता है, तब उसमें बंसी की ध्वनि आती है, तब उसमें नूपुर की रुंझुन आती है, तब उसमें सौरभ आता है, तब उसमें सौंदर्य प्रकट होता है,
तब उसमें माधुर्य आता है, तब उसमें सौकुमार जी आता है और आपके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम नहीं कहते कि आप ध्यान करो, हम जो वर्णन करते हैं उसको सुनो। फुल्लेन्दी वरकांत मिंदु वदनम बरहावतंसम प्रियम श्री वत्सांक मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनाम नयनोत्पलार्चित तनुम गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुनादन परम दिव्यांग भूषम भजे फुल्लेन्दी वरकांतम। अंग की कांति कैसी है, कितने प्यारे हैं कि जैसे खिला हुआ नील कमल हो। ये सामने आपके एक खिला हुआ नील कमल है। कई लोग होंगे महाराज जो कृष्ण का ध्यान पसंद नहीं करेंगे पर नील कमल का ध्यान पसंद करेंगे। आपके सामने खिला हुआ एक नील कमल है, उसका मुखारबिंद है चंद्रमा के समान और सिर पर मोर मुकुट है, बड़ा प्यारा है। बरहावतन संप्रियम उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स है। देखो मुखारबिंद से शुरू, सिर पर मयूर मुकुट है, ललाट में गोरोचना का तिलक है, भाव है टेढ़ी है, चितवन में प्रेम है और कपोल सुचिक्कन कपोल है और मुखारबिंद में मंद मंद मुस्कान है, दांतों की चमक बाहर निकल रही है और मुख कुछ थोड़ा सा टेढ़ा है, टुड्डी थोड़ी गहरी है, कंधे पर पीतांबर है, गले में माला है और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, भृगुपाद का चिन्ह है श्रीवत्सांक मुदार कौस्तुभ धरम। कौस्तुभ मणि चमक रही है, झलक रही है और वस्त्र पीतांबर है, बड़ी सुंदर है वो मूर्ति और गोपियां अपने नेत्रों के कमल से उसकी पूजा कर रही हैं। प्यासी प्यासी गोपियां अपने रसमय कमल को उसे समर्पित कर रही हैं। गोपी नाम उसकी पूजा बाहर कमल से नहीं हो रही है, नेत्रों के कमल से उसकी पूजा हो रही है। जनु तह बरस कमल सित श्रेणी, जब गोपी देखती है तो बारंबार नेत्र कमल जा करके चढ़ते हैं उसके ऊपर, समर्पित होते हैं और चारों ओर गौएं हैं, ग्वाल वाल हैं और बांसुरी बजा रहे हैं गोविंद। दिव्य वस्त्र आभूषण है, आप वृंदावन में हैं और आप वृंदावन में गायों से घिरे हुए, गोपों से घिरे हुए, गोपियों के नेत्रों से पूजित मुरली मनोहर श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। आप शब्द के साथ तैरिए, आप वाक्य के साथ तैरिए, एक बार अपने मन को तैरने दीजिए, अपने मन को तैरने दीजिए भगवान की लीला में और उसका रस लीजिए। अब प्रैक्टिकल ध्यान की बात कल करेंगे। हो अनिष्ट में लगे हुए मन को इष्ट में लगाया जाए। अनिष्ट क्या है? दुख अनिष्ट है। जो इष्ट न हो सो अनिष्ट, दुख किसी को इष्ट नहीं है। दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि हमको दुख हो, तो दुख अपना इष्ट नहीं है। एक सज्जन कह रहे थे कि कुंती ने भगवान से दुख का वरदान मांगा था पर इसलिए कि उसको मालूम था कि जब जब हमारे ऊपर दुख आता है तब तब भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं और फिर तो दुख भूल जाता है, परम सुख की प्राप्ति हो जाती है।
तो असल में उसने परम सुख माना मांगा था, दुख नहीं मांगा था। दुख किसी का इष्ट नहीं है। तो दुख से, शोक से, भय से अपने मन को मुक्त करें और परमात्मा में, परमार्थ में, अपने लक्ष्य में, इष्ट में अपने मन को लगा सकें, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। असद व्यवहार का त्याग करने के लिए सद व्यवहार की आवश्यकता होती है। यदि ईश्वर कृपा से आपके मन में कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, क्षोभ नहीं है, भगवान आपका मंगल करे, हमेशा आपके हृदय में सुख बना रहे। परंतु जब तो उसके निवारण का उपाय भी करना चाहिए और उसके निवारण का उपाय यह है कि आप दुख के स्तर को समझिए। दुख का स्तर शारीरिक नहीं है, वो अन्यगत नहीं है, वो मनोगत है। दुख जब होगा किसी को, शोक जब होगा, भय जब होगा, जब मन में ही रहेगा। मनसो यमनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। जब मन अमन हो जाता है तब द्वैत की उपलब्धि ही नहीं होती। तो आओ दुख का, शोक का, भय का प्रतिकार, उसके मिटाने का उपाय मानसिक स्तर पर करें, मानसिक धरातल में करें। तो मन को दो हिस्सों में बांटें। एक मन आत्मा के साथ रहकर देखता है और एक मन दृश्य के साथ होकर देखा जाता है। मन के बिना ज्ञाता भी नहीं होता है, ध्याता भी नहीं होता है और मन के बिना ध्येय भी नहीं होता है। ध्याता और ध्येय का, ध्यान करने वाले और ध्येय वस्तु का जो विभाग है वो मन से ही होता है। तो आओ हजारों टुकड़े में बटे हुए मन को पहले दो टुकड़े में बांट लें। ये तो बड़ा भारी संक्षेप होगा। बड़े से बड़े गणित के सवाल का ये हल होगा कि आपने वस्तु का विभाग कर दिया, विभाजन कर दिया, विश्लेषण कर दिया। तो मन एक होता है सैलानी और एक होता है मुस्तकिल। थोड़ी देर के लिए उसको मुस्तकिल मत कहो, कायम मुकाम कहो।